नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं और गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थ, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, PNG की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के सिरहासार में दैनिक रोजमर्रा की वस्तुएं रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है। महंगाई को लेकर हमेशा कांग्रेस प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ेगी। मोदी राज में रोजमर्रा की जरूरतों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। मौर्य ने कहा कि भाजपा के नेता बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। देश की जनता का महंगाई से बुरा हाल है। केंद्र में बैठी सरकार मात्र दो लोग अडानी अंबानी की आय बढ़ाने के लिए कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है। बैंक डूब रहे हैं, LIC डूब रहे हैं, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, आम लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। महंगाई का प्रकोप घर घर में दिख रहा है, पर जवाब देने से बचने के लिए भाजपा का नेता धर्म से धर्म को लड़ाकर, जात से जात को लड़ाकर वैमनस्यता फैलाकर राजनीतिक रोटी सेक रही है। पूर्व विधायक रेखचंद ने आयोजित धरना प्रदर्शन में कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। केंद्र सरकार को महंगाई नजर नहीं आ रही है। बेरोजगारी से युवा परेशान है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा ने 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, महंगाई कम करने के लिए वादे किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूर्व विधायक ने कहा, आज भाजपा सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। महंगाई को लेकर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत आज जगदलपुर बस्तर जिला ग्रामीण शहर के तत्वाधान में किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सत्तासीप होने के बाद 10 वर्षों में महंगाई आसमान छू रहा है। इस देश का जो महिलाएं हैं, जो घर चलाती, वो परेशान है। आटे से लेकर दाल, चावल, गेहूं, खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, जो तमाम दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं थी, उसकी दरें आसमान छू रही है। नरेंद्र मोदी जी महंगाई कम्मा बोलने को तैयार नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो बड़े बड़े वादे करते थे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलते थे कि हम आएंगे और देश में महंगाई कम कर देंगे, उनका नारा हुआ करता था। अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 10 साल हो गए महंगाई पर कम हुई क्या? इस देश के हर एक वर्ग परेशान है। इस देश में किसान, बेरोजगार, युवा, मजदूर, महिलाएं, तमाम जो इस देश के जितने भी समूह है, सब परेशान है महंगाई से। परंतु मोदी जी के सरकार में आते ही महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस पर मोदी जी माँ बोलने को तैयारी से लेनी है, क्योंकि उनके राज में भ्रष्टाचार है, उनके राज में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। अडानी अंबानी को उन्होंने हर चीज दे दिया है, जिसके कारण आज बड़े बड़े उद्योगपति महंगाई तेजी से बढ़ा रहे हैं। सब वायदा कारोबार के अंतर्गत आ चुका है, इस वजह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है। परंतु नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। UPA सरकार में डीजल, पेट्रोल 60 रुपये सुपर निर्वाह करते थे, सरसों के तेल 70 रुपये सुपर निर्वाह करते थे, परंतु आज हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। GST खाद्य पदार्थों में लगा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी इस देश में विफल हो चुके हैं, महंगाई रोकने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर आना पड़ रहा है। और अभी लोकसभा चुनाव में हम देश के तमाम मतदाताओं से मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी की इस महंगी सरकार को खाड़ फेंकना है। और जो कांग्रेस आप लोगों को 60 सालों तक जो हर चीज़ सेवा की, आप कांग्रेस के राज को एक बार एनालिसिस कीजिए और नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के राज को आप विचार करिए कि उनके राज में कितनी महंगाई हुई और कांग्रेस के राज में कितनी महंगाई कम हुई। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।